हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ट्विकलिंग और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की। और ये बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट है जून 2022 की। आपको मालूम है कि आज 15 तारीख है और अब तक कुछ फिल्में रिलीज हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, उन फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी धाकड़ फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। ये फिल्म अपने आप में एक डिज़ास्टर साबित हुई है और ये है इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। इस फिल्म में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं देखा गया है और ये बिल्कुल पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है अपने पहले वीक में ही। अब देखते हैं दूसरी फिल्म का कलेक्शन, जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान भी एक बहुत बड़े बजट की फिल्म है और अपने 11-12 दिनों के बिजनेस में ये एक बहुत बड़ी डिज़ास्टर फिल्म साबित हुई है। इस फिल्म का बजट तकरीबन 300 करोड़ जितना रहा है और इस फिल्म का बिजनेस आप देख सकते हैं कितना कम है, 70 करोड़ भी टच नहीं कर पाया है। तो ये भी एक डिज़ास्टर फिल्म साबित हुई है। अब बात करते हैं तीसरी फिल्म की। ये फिल्म है अनेक। अनेक जो है ये फिल्म आयुष्मान खुराना ने इसमें एक्टिंग की है। ये फिल्म भी चल नहीं पाई, दर्शकों को पसंद नहीं आई। इसका टॉपिक काफ़ी अच्छा है मूवी का, लेकिन लोगों को ये शायद समझ में नहीं आई। ये भी एक अपने आप में फ्लॉप फिल्म है, डिज़ास्टर फिल्म की कैटेगरी में इसको रखा गया है। अब देखते हैं जनहित में जारी फिल्म के बारे में। जनहित में जारी जो फिल्म है इसका टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन ये फिल्म भी हिट नहीं हो पाई, दर्शकों ने इसको हरी झंडी नहीं दिखाई। हालांकि ये कम बजट की फिल्म है, तकरीबन 20 करोड़ रुपए की ही फिल्म है, लेकिन फिर भी ये फ्लॉप की कैटेगरी में आ गई है। अब इसके बात करते हैं कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बात जो कई भाषाओं में रिलीज हुई। इसमें जिस मूवी का नाम मैं लेना चाहूँगी वो है विक्रम। विक्रम जो मूवी है तकरीबन 150 करोड़ रुपए की बनी, किंतु इसका बिज़नेस इतना ज़बरदस्त हुआ और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। आप इसका बिज़नेस देख सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगी मेजर फिल्म की। मेजर फिल्म एक छोटे बजट की फिल्म है, ये तकरीबन 30 करोड़ रुपए के बजट में बनी है, लेकिन ये काफ़ी सक्सेसफुल हुई बॉक्स ऑफिस पे। इसने सारा बजट रिकवर कर लिया है और ये एक हिट फिल्म बन चुकी है। अब हम बात करते हैं एक और फिल्म की, जिसका नाम है भूल भुलैया 2। ये कार्तिक आर्यन की फिल्म है, इसको जनता ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। काफ़ी वीक जा चुके हैं, उसके बावजूद ये फिल्म चल रही है और इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है, जो कि आप देख सकते हैं। जून फिल्म में ही एक और फिल्म रिलीज़ हुई है, जिसका नाम है 777 चार्ली। हालांकि एक प्रादेशिक भाषा की फिल्म है, लेकिन हिंदी में भी ये फिल्म आ चुकी है और इस फिल्म का जो बिजनेस है उसको देख के आपको आश्चर्य होगा। एक छोटी बजट की फिल्म है, लेकिन ये भी हिट हो चुकी है। दोस्तों, ये सारी फिल्में चाहे हिट हुई हो या फ्लॉप हुई हो, आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगी है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और साथ ही में इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अपने सजेशंस मुझे लिखते रहिए। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।